हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो कि बहुत यूजफुल है आपकी एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए। इस 8.4 से पहले एक्सरसाइज 8.3 जो है वो पूरी बेस्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये टॉपिक इस बार कट गया है आपके 30% सिलेबस में, तो वो एक्सरसाइज भी नहीं आएगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। लेकिन एक्सरसाइज 8.4 इसलिए ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं आ रही है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा वैसे भी आते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो उनको करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज करना होगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन तीन आइडेंटिटीज से हम नए फॉर्मूले बनाएंगे और उन सब का यूज हम आगे आने वाले एक्सरसाइज में यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। फर्स्ट आइडेंटिटीज है ये, और यहां से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे हमने साइन स्क्वायर ए को यही छोड़ा, हम कॉस स्क्वायर ए को बराबर में लेके जा सकते हैं, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहीं से हम कॉस स्क्वायर को यही छोड़ेंगे और साइन स्क्वायर को बराबर में लेके जा सकते हैं। मीन्स आपको आइडेंटिटी यही लर्न करनी है, लेकिन यहाँ से हम साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। क्लियर, ये आइडेंटिटीज अगर हम इसे वन को यही छोड़ें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, मीन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू वन हो जाएगी। सेक स्क्वायर ए बराबर आप ये लिख सकते हैं। यहीं से अगर आप टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं सेक के टर्म में, तो टेन स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से इस वन को आप बराबर में ले जाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्लियर, थर्ड आइडेंटिटीज है हमारे पास वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस एक स्क्वायर ए। सेम इसी की तरह है, अब हम इस कॉट को बराबर में ले जाएं तो यहां से हमें वन की वैल्यू मिल जाएगी, तो कॉस एक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। मीन्स कॉस एक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह आप क्या सकते हैं, वन पुट कर सकते हैं। और यहीं से हम अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कॉट स्क्वायर ए को आप यहीं छोड़ सकते हैं और वन को ले जाइए बराबर में, तो कॉस एक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आ जाएगी आपकी कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू। क्लियर, तो तीन आइडेंटिटीज है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनसे हमने दो और नए निकाले हैं, साइन कॉस की वैल्यू, टेन और सेक की वैल्यू, कॉसेक और कॉट की वैल्यू। मीन्स हम इन्हीं का यूज करेंगे हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर वन पर आते हैं, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। हमें साइन सेक और टेन को कॉट में चेंज करना है, तो हम इन सभी की हेल्प से साइन को सेक को और टेन को कॉट में चेंज करेंगे। देखिए, ये मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पर नोट कर दिए हैं, हम इनका हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। सबसे पहले हमें साइन को चेंज करना है कॉट में, तो देखिए कॉट के साथ फॉर्मूला दिया हुआ है कॉसेक में, और कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं, और कॉसेक ए बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर हटा दें तो यहां से अंडर रूट चल जाएगा, तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर, तो ये आ गया साइन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। सेकेंड है इसमें सेक ए, तो सेक ए देखिए सेक ए बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन उल्टा होता है कॉट का। तो पहले हम सेक ए बराबर लिख दें अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर ए, हमने यहां से स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट चढ़ गया, तो सेक के बराबर हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लें इसे, थोड़ा सा एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए
प्लस वन और अपॉन में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? ऊपर से तो कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि दोनों पे स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर, लेकिन नीचे वाला एक नंबर है और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो इसे लिखेंगे हम कॉट ए। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है इसमें टेन ए। तो टेन ए के तो आप जानते हो, टेन ए डायरेक्ट क्या होता है, उल्टा होता है कॉट ए का। तो टेन ए इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट ए। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक। अब हमें सबको सेक में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू, कैसे कैसे चेंज करेंगे। देखिए साइन बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? और कॉस को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक, तो वन माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, सेक स्क्वायर है। जैसे हमने इससे पिछले वाले यहां पर एलसीएम लिया था वैसे यहां लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए स्क्वायर ए। क्लियर? नीचे वाले पे स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और ऊपर वाले में दो नंबर है इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा और नीचे आ जाएगा सेक ए। क्लियर? तो ये साइन हो गया इन द टर्म ऑफ सेक। सेकंड कॉस, तो कॉस को तो आप डायरेक्ट जानते हैं, कॉस ए उल्टा होता है सेक का, सेक उल्टा होता है कॉस का। थर्ड पर आते हैं, तो थर्ड के लिए आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट पता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए सॉरी साइन कॉस टेन में करना है, तो टेन ए, तो टेन ए वाली देख लें, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, स्क्वायर हटाइए अंडर रूट चढ़ाइए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अगर आप ये तीनों निकल के आ चुके हैं तो आप आगे आने वाले तीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन हो गया, उसके बाद है कॉसेक। कॉसेक उल्टा होता है साइन का, अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं तब, तो साइन ही है इसका उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कॉसेक के बाद सेक आएगा, ऑलरेडी सेक में है। फिर आते हैं कॉट पे, तो कॉट ए होता है उल्टा टेन का, तो कॉट ए इक्वल्स टू वन अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, और टेन ए की वैल्यू हमने निकाली है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये आपके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन द टर्म ऑफ सेक आ गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी पर। तो जो प्रॉपर्टी कट गई है इसलिए ये क्वेश्चन भी कट गया है। उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज पर, क्वेश्चन नंबर फोर, उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट वाला पार्ट है नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ से हम दोनों जगह से सिंपल है, नाइन कॉमन तो ले सकते हैं, बाद में देखेंगे क्या आता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमारा बचता है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू वन, तो इसकी वैल्यू वन आइडेंटिटी है ये, और नाइन इंटू वन नाइन, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। सेकंड वाले पर आते हैं, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए इसमें कुछ टेन में है, सेक में है, कॉट में है, कॉसेक में है, सब कुछ सेम कर लें, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं इसे। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, इसी तरीके से कॉट को लिख सकते हैं टेन का उल्टा होता है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक हमारा उल्टा होता है साइन का, तो कॉसेक की जगह लिख सकते हैं हम वन अपॉन साइन थीटा। ये तो थीटा एंगल है, थीटा आ सकता है, ए आ सकता है, और बहुत सारे कुछ भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए इसके अपॉन वन माना, यहाँ वन माना, एलसीएम ले लीजिए वन कॉस कॉस, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, और जहाँ नहीं है वहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस साइन थीटा प्लस
वन, सेम एज यहाँ पर भी वन साइन थीटा, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पहुँचेगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ तक क्लियर हो गया? ध्यान से देखिए, अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम ही है ना, तो ये पूरा एक टर्म प्लस वन फिर माइनस वन, इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में है ये, तो फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, समझ गए ना? ये पूरा ए प्लस बी, ये पूरा ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की प्रोडक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साथ में वन का स्क्वायर वन, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये एक आइडेंटिटी बन गई है फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन, यहाँ पर एक ही जगह थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन, प्लस ये बचा टू कॉस थीटा साइन थीटा, इसे जैसे लिखा हुआ वैसे ही नोट कर दें, और फिर माइनस का वन, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचेगा हमारे पास टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा हमारे पास टू, देन द ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा, समझ गए? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है sec प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, कोशिश करते हैं यहाँ जाए, देखिए sec को लिख सकते हैं वन अपॉन cos, sec का उल्टा होता है माइनस सॉरी प्लस टेन ए, तो टेन को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, जैसा कि अब तक यूज करते हुए आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगली ब्रैकेट में साइन ए दे रखा है, तो हम सेम कर लें सब में, तो वन माइनस साइन ए, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम वही रहेगा और ऊपर वाले नंबर जैसे लिखे हुए हैं वो वैसे ही ऐड आ जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा वन माइनस साइन ए, क्लियर? देखिए वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, फॉर्मूला हो गया वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में चल रहा है हमारा कॉस ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में हमारा एक कॉस ए वैसे चल रहा है, एक कॉस ए से एक पावर कम हो गई तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए, देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर? नेक्स्ट, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, तो फोर्थ पार्ट पर आते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, बहुत ईजी है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए कॉट में या नीचे वाले को टेन में, तो नीचे कॉट दे रखा है हम इसे लिख सकते हैं वन अपॉन टेन, और स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा लीजिए, क्लियर? ऊपर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे वाले का आप एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन हो जाएगा, और इसके अपॉन में चल रहा है हमारा टेन स्क्वायर ए, अभी अपॉन के जो अपॉन में नंबर होता है वो पहुंचता है सबसे ऊपर, तो उसे हम इस नंबर को हम ये पहुंचेगा यहां पर, तो इसे हम पहले लिख लें टेन स्क्वायर ए, तो ब्रेकेट में लिख लें हम वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और इनके अपॉन में ये नंबर टेन स्क्वायर ए प्लस वन या वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल, बचेगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए, और जो कि ये डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन नंबर, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व और एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, इन क्वेश्चंस में 10 में से आपका 95% एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप से भी हो सकता है कि हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों में से किसी भी साइड को लेकर सॉल्व कर सकते हैं,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन पर आते हैं। फाइव का फर्स्ट पार्ट जो है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो हमें ये प्रूव करना है इसमें कि इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसा आपस में इक्वल। चाहे तो हम RHS ले सकते हैं या LHS ले सकते हैं, किसी भी टाइप से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। जरूरी नहीं है कि हमने ऐसे करा है कि आप ऐसे करें तो गलत आए। क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हैं, बहरहाल तरीका सही होना चाहिए, आइडेंटिटी सही होना चाहिए और सोल्यूशन सही होना चाहिए। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक साइड लेंगे और दूसरा वाला लेके आएंगे। देखिए टेकिंग, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। तो टेकिंग LHS, तो LHS वाले पार्ट को नोट कर लें। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड पे हमारा कॉस चल रहा है तो उसको भी थोड़ा देखेंगे। तो कॉस, तो हम इसे साइन और कॉस में चेंज कर लें। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, उल्टा होता है कॉसेक। माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम, कॉट होता है टेन को उल्टा और टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और इसका हम होल स्क्वायर लगा दें, ऊपर क्या क्या आएगा, सेम एज वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हम स्क्वायर लगाएं तो साइन स्क्वायर थीटा। हमें लेके आना है वन माइनस कॉस, वन प्लस कॉस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से हम साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा ए था तो हमने ए लिखा था, यहाँ हमारा थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे। तो इसे तो हमने ऐसे ही रहने दिया, नीचे वाले को लिख दिया हमने वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को हमने ऐसे ही लिखा। देखिए नीचे वाले हम वन पे स्क्वायर लगा सकते हैं तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके। तो एक बार हमने लिख दिया वन माइनस कॉस थीटा और एक बार हो गया वन प्लस कॉस थीटा। एक पावर से ये कैंसिल, सेम है दोनों, तो ऊपर बचेगा हमारा वन माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा हमारा वन प्लस कॉस थीटा। देखिए RHS के बराबर आ गया हमारा, तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्लियर, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए इक्वल्स टू वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट LHS ले रहा हूँ तो आप ध्यान रखिएगा टेकिंग LHS। LHS वाले पार्ट को नोट कर दिया है मैंने, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए बराबर में आ रहा है हमारा टू सेक ए, तो हमें कॉस और साइन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कॉस में अगर चेंज कर भी देंगे तो साइन रह जाएगा, वो बन जाएगा कॉस सेक। तो इसे ऐसे सॉल्व करें, एलसीएम ले लें इसका, ये इधर और ये इधर। तो ये कॉस ए पहुंचेगा यहां पर, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए ऑलरेडी है वहां पर तो एक और पहुंच गया, तो ये हो गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे जब दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों की ऐसी ही प्रोडक्ट कर दी जाती है, तो वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, अब देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर ऐसी लिख रहे हैं, इसका कर दें होल स्क्वायर, वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए और अपॉन में ये जैसा लिखा हुआ है इसे वैसे ही रहने दें। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू वन, फर्स्ट आइडेंटिटी, और एक वन ऑलरेडी है यहां पर तो वन प्लस वन। ध्यान रखिएगा कि जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं वो वहां पर नोट भी करनी है। तो वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लगाया हमने यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 जो बन ये आया है, एक वन ऑलरेडी था वहां पर, 1 और 1 हो जाएंगे 2 और 2 हमने कॉमन ले लिया। चलो एक बार लिख देते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए। क्लियर? ऊपर से हम 2 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में जैसा चल रहा है 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए। सेम है ऊपर नीचे, फंक्शन को कैंसिल कर दें और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, sec ए, तो 2 sec ए, यही हमें प्रूव करना था, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन में मोस्टली आपकी ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारे चेंजेस यूज होंगे, तो आपको इन क्वेश्चन को करने से पहले ये सारी आइडेंटिटीज प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से तैयार करनी है, नोट कर सकते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec। तो sec और cosec जो उल्टे होते हैं वो होते हैं cos के और sin के, ठीक है? तो हम इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ टर्म कर दें, साइन और कॉस में चेंज कर दें, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो टैन की जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे के अपॉन में, इस कॉट को भी चेंज कर दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? प्लस इधर कॉट को भी चेंज कर दें, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसके अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? देखिए ऊपर वाले को तो हमने ऐसे ही रहने दिया, नीचे वाले का एलसीएम ले लें, साइन थीटा यहां पहुंचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके अपॉन में साइन थीटा। देखिए जो मेन अपॉन है उसका भी ध्यान रखना, वो थोड़ा बड़ा ही रहे, ठीक है? प्लस ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके अपॉन में ये कॉस यहां पहुंचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इसके अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर? ये जो अपॉन का नंबर है ये उल्टा होके मल्टीप्लाई में आ जाता है, डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में हो जाता है उल्टा होके, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये नंबर को उल्टा कर दें हम तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो? इस नंबर को उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई में आ गया, अब इसको भी उल्टा करके लिख दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा के अपॉन में ये क्वेश्चन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिए ये तो हम ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसके साथ में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ हमारा आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे? क्योंकि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर सेम करने के लिए, और ये जो माइनस हम कॉमन लेंगे ये प्लस वाले को माइनस कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा हमारा ये साइन थीटा और साथ में अब ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब दोनों में से हम साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, और यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो इस बाहर वाले को तो हम अब ऐसे ही नोट करते जाना है, इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए एलसीएम जब लेंगे तो नीचे बन जाएगा हमारा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, एक साइन टू ऑलरेडी है वहां पर और एक पर पहुंच गया तो हो गया साइन क्यूब थीटा, ऐसे ही कॉस एक बार पहुंच गया वहां पर तो
तो वो हो गया कॉस क्यूब थीटा। क्लियर? फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है, सबसे पहले ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ रहे? देखो फॉर्मूले सारे आपको लर्न होना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, ये वाले भी और इससे पहले जो यूज हो चुके हैं। ऐसा नहीं हो कि आगे आप बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाले फॉर्मूले सारे गायब होते जा रहे हैं। तो ये नीचे वाला नंबर ऐसे ही आएगा और इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम ऐसे ही नोट कर दें। क्लियर? ये दोनों कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद 1 के अपॉन में इसे अलग कर लें, इसके अपॉन में इसे अलग कर लें, कर सकते हैं? तो 1 अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अलग। देखिए 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है हमारा, सेक। 1 अपॉन कॉस सेक हो गया और 1 अपॉन साइन हो जाता है हमारा कॉस सेक। तो ये आ गया सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ बचा हमारा 1। देखिए कुछ आ रहा है RHS की तरह, तो इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर? नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। क्वेश्चन में हिंट्स भी दी हुई है, सिंपली LHS एंड RHS, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, लेकिन आपको एग्जाम में हिंट्स दे के नहीं आएगी, तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे सॉल्व करना है। तो 1 by 1 पहले जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, LHS ले लें 1 प्लस, जब राइट हैंड साइड में हमारे साइन और कॉस आ रहे हैं तो हम सेक को भी चेंज कर दें, सेक 1 अपॉन सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस अपॉन नीचे भी 1 अपॉन कॉस। क्लियर? ऊपर वाले का एलसीएम ले लें तो हो जाएगा ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए और ये जो मेन वाला है अपॉन नीचे चल रहा है 1 अपॉन कॉस। क्लियर? देखिए अपॉन में इसके भी कॉस है, इसके भी कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1। हम चाहें तो यहां से भी ला सकते हैं, तो ये हमारा भी कॉस ए प्लस 1 है, हमें लेके आना है 1 माइनस कॉस ए नीचे, तो हम 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। देखो इस नंबर को तो हमने ऐसे ही लिखा 1 प्लस कॉस ए, अब इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे। अब आपको कहोगे कि ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, क्योंकि हमने देखा राइट हैंड साइड में नीचे आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, तो हमने यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्लियर? अगर आपके सामने नहीं दे रखा है कि आपको RHS एंड LHS लेना है अलग अलग, देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जैसा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए से यहीं छोड़ेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे RHS क्यों यूज करें हम, इसमें क्वेश्चन की जो हेल्प दी हुई है अपना दिमाग लगाइए, ठीक है? और अगर आपको लगाना नहीं है यहीं तक छोड़ना है इसे, ठीक है? कॉस ए प्लस 1, इसके बाद आप RHS को सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको ये लिखा है, फिर 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, वापस आपका LHS RHS इक्वल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। देखिए दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा लेंथी है और आपको इसमें आइडेंटिटीज जरूर लर्न होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और इम्पोर्टेंट भी है।
इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। और आगे मेंशन भी करा हुआ है कि आपको यूज करना है आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक बनाने के लिए देखिए कॉसेक कैसे बनता है, वन अपॉन साइन, और कॉट कैसे बनता है हमारा कॉस अपॉन साइन। क्लियर? तो कॉसेक बनाने के लिए हमारे पास वन अपॉन साइन होना चाहिए और कॉट बनाने के लिए कॉस अपॉन साइन होना चाहिए। तो हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर दें। पहले हमने एल एच एस ले लिया और इसके बाद कॉस ए को भी साइन से डिवाइड करा, इसको भी साइन से डिवाइड करा और वन को भी साइन से डिवाइड करा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे, कॉस ए को साइन से डिवाइड करेंगे प्लस साइन ए को भी साइन से डिवाइड करेंगे प्लस वन को भी साइन से डिवाइड करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमने ये कर लिए हैं इसलिए, कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कॉस ए के स्क्वायर है और कॉट बनाना है हमें, इसलिए देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा वन और यहाँ भी बचा वन। तो कॉस ए अपॉन साइन ये तो बन गया हमारा कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल हुआ वन, और वन अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉस ए के। क्लियर? नीचे भी कॉस अपॉन साइन हो गया हमारा कॉट ए, यहाँ बचा वन और ये हो गया वन कॉस ए के, वन अपॉन साइन था इसलिए। देखिए ऊपर नीचे आ रहा है वन प्लस कॉस ए के और ऊपर आ रहा है वन माइनस का वन प्लस कॉस ए के। तो यहां से हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, सॉरी यहां पर जरा ये माइनस दे रखा है तो यहां हमारा माइनस होगा, यहां माइनस होगा। तो हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, किस किस में से देखिए यहां से, तो यहां हमारे पास बचेगा वन माइनस कॉस ए के। क्लियर? और नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस, इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जरूरत ही नहीं है कॉमन लेने की, सेम हो गया अभी। अब आप इसमें कंजुगेट से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ए प्लस बी का हो जाएगा ए माइनस बी। देखिए यहां का साइन चेंज करना है, ये साइन चेंज नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए के, सेम एज हियर वन माइनस कॉस ए के। क्लियर? तो ऊपर वाला देखिए बन गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए के और पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ये पूरा बी है वन माइनस कॉस ए के, बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी। क्लियर? और इसके अपॉन में जो चल रहा है क्वाड स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा माइनस, देखिए यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, साथ साथ माइनस लगा हुआ है तो साइन भी चेंज कर देंगे, वन माइनस कॉस ए स्क्वायर है, सबसे पहले आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है दोनों के साइन चेंज हो गए, फिर आएगा माइनस का टू ए बी, तो माइनस बाहर हो जाएगा प्लस का टू ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे कॉट स्क्वायर की जगह, देखिए कॉट स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कॉस एक स्क्वायर ए माइनस वन, सबसे पहले हमने इसकी जगह लिखा कॉस एक स्क्वायर ए माइनस वन। क्लियर? और यहां इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया हमने, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस का टू कॉस एक ए, फिर साथ में ये जो फंक्शन रह गया इससे पूरा नोट कर दें, माइनस का टू कॉट ए और ब्रैकेट में वन माइनस कॉस ए के। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, एक भी नंबर गायब नहीं होना चाहिए। यहां भी हम यही करेंगे, कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर की जगह लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर ए माइनस वन, तो कॉस ए स्क्वायर ए माइनस वन
फिर बचा माइनस वन, फिर बचा माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर ए और ये प्लस का टू कॉस एक्स ए। तो आपको मेन आइडेंटिटी क्या लर्न होना चाहिए, कॉस एक्स और कॉट की। देखिए एक कॉस एक्स स्क्वायर ये है और एक ये है, तो ये माइनस वन और प्लस वन तो मैं कैंसिल कर दूं, टू कॉस एक्स स्क्वायर ए बन गया ये, और वो माइनस का टू कॉस एक्स है, इसके बाद माइनस का टू कॉट ए और ब्रैकेट में वन माइनस कॉस एक्स है। क्लियर? देखिए प्लस का कॉस एक्स स्क्वायर है, माइनस का कॉस स्क्वायर है, कैंसिल, माइनस वन और माइनस वन हो जाएंगे माइनस का टू, तो माइनस टू प्लस का टू कॉस एक्स है। क्लियर? देखिए टू कॉस एक्स यहां से कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा एक कॉस एक्स बचेगा और यहां बचेगा माइनस का वन। क्लियर? यहां से देखिए यहां आ रहा है कॉस एक्स माइनस वन, तो यहां हम कॉस एक्स माइनस वन बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लें यहां से, ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस का, और यहां हो गया कॉस एक्स माइनस वन। नीचे हम टू कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा नीचे कॉस एक्स माइनस वन। क्लियर? अब देखिए कॉस एक्स माइनस वन, कॉस एक्स माइनस वन और दोनों जगह से टू, इतना कॉमन आ रहा है टू कॉस एक्स माइनस वन, इतना कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो हमारे पास यहां बचेगा कॉस एक्स और यहां बचेगा कॉट ए, और इस पूरे के अपॉन में चल रहा है टू कॉस एक्स ए माइनस वन, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, टू भी कैंसिल हो चुका है, तो बराबर में बचा हमारा कॉस एक्स ए प्लस कॉट ए, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर? थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करा, इसे साइन से डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने इसे कॉट और कॉस एक्स में चेंज कर लिया, फिर नीचे वाले में आ रहा है वन माइनस कॉस एक्स, तो ऊपर से हम माइनस कॉमन लेके सेम बना सकते हैं, बस इस साइन को छोड़ के देखिए पूरा सेम है। इसके बाद जब ये सेम हो गया तो हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर बन गया होल स्क्वायर, नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, और नीचे भी हमने यही करा, इसको ऐसे लिखा और इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, बाहर माइनस था इसलिए साइन भी साथ साथ चेंज कर दिए। इसके बाद हमने इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, कॉस एक्स स्क्वायर है और कॉट की जगह लिखा हमने कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस वन, और यहां पर ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लास्ट वाला टर्म एज इट इज। नीचे हमने क्या करा, ब्रेकेट जब खोलेंगे तो इस कॉस एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर की जगह जो भी हमने लिखा है वो कॉस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो माइनस वन नीचे वाले हो गए माइनस टू, और इसे ऐसे नोट कर लिया। इसके बाद हमने देखिए इन दोनों में टू कॉस एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर था एक बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा वन, इसे हमने यहाँ आ रहा है कॉस एक्स माइनस वन, तो कॉस एक्स माइनस वन बनाने के लिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस था ये प्लस हो गया और माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। क्लियर? पूरे में से कॉस एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है और टू भी कॉमन आ रहा है, तो हमने टू से टू कैंसिल कर दिया और कॉस एक्स प्लस कॉट ए बचा यहाँ पर, इससे इसे कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया हमारा कॉस एक्स प्लस कॉट ए। क्लियर? नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सिक्स पार्ट पर। अंडर रूट में दे रखा है वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए, तो टेकिंग एलएचएस, तो क्वेश्चन को मैं नोट नहीं कर रहा हूं, एलएचएस को नोट कर रहा हूं केवल, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, देखिए बराबर में लेके आना हमें सेक ए और टेन ए, तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। जब आपको ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले उसमें उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसी से मल्टीप्लाई करना है हमें और इसी से डिवाइड करना है। क्लियर? ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर।
क्लियर। तो इसे अभी एक स्टेप तक हम ऐसे ही नोट कर लें, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं, तो वन प्लस साइन ए के अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए। तो वन के अपॉन में आप कॉस ए अलग नोट कर दीजिए और साइन के अपॉन में अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो ये हो गया हमारा सेक ए प्लस टेन ए, ये तो आ रहा हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ आते हैं, सेवेंथ पर। इसमें भी हम एल एच एस ले रहे हैं, बराबर में टेन थीटा लेके आना, बहुत सिंपल है, केवल आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। देखिए साइन थीटा माइनस का टू साइन क्यूब थीटा और अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर एक है, सिंपल। तो हम यहाँ से ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लें, बचेगा हमारे पास वन माइनस टू, थ्री साइन थे बचेंगे टू। यहाँ से कॉस कॉमन ले लें तो कॉस थीटा, तो बचेगा हमारे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर। साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और वन की जगह देखो हमें टेन तो आ गया हमारा आर एच एस, हमें ये पूरा कैंसिल करना है, तो वन की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऐसे ही नोट कर लें, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा सब मिलकर टेन थीटा बना लिया, ये बचा हमारा टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां लिख सकते हैं माइनस का वन है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। चलो अभी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्लियर। चलिए वन की जगह हमने ऊपर भी वही रखा है जो नीचे रखा है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा में से टू साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखिए ब्रैकेट जब खुलेगी दोनों माइनस के हो जाएंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आगे पीछे लिखा हुआ है बस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर के प्लस कॉस प्लस, क्या आ गया, आ गया हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर, नोट कर सकते। एट वाले पार्ट पर आते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन टेन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। टेन और कॉट कैसे आएंगे, देखिए टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को लाने के लिए हमें सेक और कॉस सेक लेके आना है, क्लियर। उसके बाद पहले हम इनका होल स्क्वायर खोल लें, सेवन लेके आने, सेवन का इंतजाम हम करेंगे कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले टेकिंग एल एच एस और इनका होल स्क्वायर खोल दें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस एक स्क्वायर है प्लस टू साइन ए इन टू कॉस एक, क्लियर सिंपल है। नेक्स्ट वाले में भी कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इन टू सेक ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वैसे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इनको एक साथ लिख लें क्योंकि इसकी वैल्यू होती है वन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस एक स्क्वायर ए कॉस एक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कॉट, हमारा कॉट क्यूब में भी आ रहा है तो कॉस एक की जगह लिखेंगे हम वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद हमारा देखिए आ रहा है सेक स्क्वायर ए, सेक की जगह है हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम इस सेक की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लें, यह तो बात समझ में आ गई। देखिए हमारा साइन निमट गया, कॉस निमट गया, कॉस एक निमट गया, सेक भी निमट गया, अब ये बचे हमारे पास टू साइन ए कॉस एक है, टू सेक ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस एक होता है वन अपॉन साइन, तो इसे हम नोट कर लें, साइन को भी लिख सकते हो वन अपॉन कॉस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कॉस है और सेक को लिख दिया हमने वन अपॉन
कॉस है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या क्या बचा, इसकी वैल्यू हो गई वन प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वहाँ बचा हमारा टू और दूसरा वाला भी टू। आगे सेवन देखिए, टू और टू फोर, वन फाइव, वन सिक्स, वन सेवन, तो सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर, आइडेंटिटी मस्ट है, अगर वो नहीं है तो क्वेश्चन तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट देखिए, कॉस ए के माइनस साइन एस का नाइन्थ पार्ट, एल एच एस ले लेते हैं हम डायरेक्ट, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है बुक में, डायरेक्ट एल एच एस ले रहे हैं। कॉस ए के माइनस साइन ए और दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए, इसमें भी लिखा हुआ है कि एल एच एस और आर एच एस को अलग अलग करें, कोशिश करते हैं पहले बिना इसका यूज करें, बाद में देखेंगे। कॉसेक उल्टा होता है वन अपॉन साइन का, और इसको हमने ऐसे ही नोट किया, क्लियर। इधर भी सेक उल्टा होता है कॉस का, तो वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, इसके अपॉन में वन माना, इसके अपॉन में वन माना, साइन ए और वन का एलसीएम साइन ए, तो ये आ जाएगा इधर पहुंचेगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इन टू, ऐसे ही है कॉस ए और पहुंच गया उधर, तो एक ऑलरेडी है वहां पर, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, आइडेंटिटी वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में है हमारे साइन ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में है हमारे पास, यहां तक कोई दिक्कत, देखिए एक पावर से कॉस कैंसिल और एक पावर से ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या निकल के आया अभी तक, लेफ्ट हैंड, अब देखते हैं राइट हैंड में आ रहा है वन प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, तो यहां पर ला तो सकते हैं हम वैसे, लेकिन हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसके लिए कि हम इसे डिवाइड करें या इसे अलग अलग फैक्टराइज करें, मतलब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं वन अपॉन कॉस वन अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस में, लेकिन आपको वो लर्न करना पड़ेगा फिर, तो इसलिए इसे हम यहीं छोड़ दें। और हमने ले लिया आर एच एस, टेकिंग आर एच एस, तो आर एच एस है वन प्लस वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो देखिए टेन को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो टेन ए की जगह लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस प्लस कॉट की जगह लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, क्लियर। डिनोमिनेटर में जो कुछ चल रहा है चलने दीजिए, ये एलसीएम, ये साइन इधर कॉस इधर, तो साइन हो गए साइन स्क्वायर ए और कॉस हो गया कॉस स्क्वायर ए, और इनके अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए, क्लियर। जो अपॉन के अपॉन में होता है वो नंबर पहुंचता सबसे ऊपर, तो ये हो गया इधर कॉस ए इंटू साइन ए, और इसके अपॉन में देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन, तो ये हमारा आ गया जो लेफ्ट हैंड है, तो कॉस ए इंटू साइन ए, हेंस जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, नोट कर सकते हैं। तो इसके लास्ट वाले पार्ट पर आते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इक्वल में वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर, तीन पार्ट दे रखे हमने, फर्स्ट पार्ट ले लिया, लिखा हुआ है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन कॉट ही चल रहा है सेकंड में भी थर्ड में भी, तो हम टेन कॉट में ही चेंज कर लें, थर्ड वाले पार्ट में टेन आ रहा है तो इस कॉट को हम टेन में चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को तो हमने ऐसे ही रहने दिया,
नीचे वाले को चेंज कर दिया, कॉर्ड को हम लिख सकते हैं 1/10, तो इसे हमने लिखा 1+1/10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद ऊपर वाला 1+10² / इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10² + 1 और इसके अपॉन में ये नंबर 10² अपॉन के अपॉन में जो नंबर होता है वो पहुंचता है सबसे ऊपर, तो इस नंबर को हम पहले लिख लें 10² और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1+10² और अपॉन में है ये 10² + 1, सेम है ऊपर नीचे वाले, कैंसिल कर दें तो इक्वल आ गया ये थर्ड पार्ट के। सेकंड पार्ट पर आते हैं, टेकिंग सेकंड पार्ट। अब इसमें है लिखा हुआ 1-10a, 1-cot a² बिल्कुल आपको सेम इसी की तरह करना है, बस लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इस ऊपर वाले को तो हमने कुछ नहीं किया, इसे ऐसे चलने दीजिए, नीचे वाले को हमने चेंज कर दिया 1/10a कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लास्ट तक ऐसे चलता रहेगा 1-10a। नीचे क्या हो जाएगा 10a-1 एलसीएम लेने के बाद और इसके अपॉन में चल रहा है 10a, जैसे हमने यहां से इसे ऊपर पहुंचाया था वैसे यहां से हम इसे ऊपर पहुंचाएंगे, तो यहां आ जाएगा 10a, ऊपर आ रहा है 1-10a और इसका होल स्क्वायर भी है और नीचे चल रहा है 10a-1 पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए अब जब तक a प्लस बी था, b प्लस a है, ये तो पॉसिबल है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती है प्लस में बट माइनस में नहीं लग सकती, तो हमें सेम करने के लिए या तो नीचे से माइनस कॉमन ले तो ये सेम हो जाएगा इसका, या ऊपर से माइनस कॉमन ले तो नीचे वाला सेम हो जाएगा। तो हमने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया और इस माइनस को यहाँ लगा दिया माइनस का 10a और अब ये बन गया हमारा 10a-1, अपॉन में भी यही दिया हुआ है 10a-1 और पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, इससे ये कैंसिल और माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है प्लस और 10² है, तो ये हमारे थर्ड वाला पार्ट के इक्वल प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। थैंक यू।